हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दीप्रीत पर। आज के इस वीडियो में हम लोग कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए सीखेंगे। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमारा जो कॉल पर्सन जो है उसके द्वारा एक फॉर्मूला दिया गया है कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए। तो चलिए सबसे पहले उस फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं। तो उसका फॉर्मूला है कि आर इक्वल टू जो होता है आर ऑन एक्स और वाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है एन। ठीक है, मतलब एन क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम, 1 2 3 4 5 6, मतलब एन का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई। तो चलिए दोस्तों उसके बाद क्या होता है, डिवाइड बाय, तो मैं यहाँ स्केल से डिवाइड कर लेता हूँ, डिवाइड बाय क्या होता है अंडर रूट एन। यहाँ से मैं अंडर रूट के लिए मैं यहाँ से स्केल ले लेता हूँ, इस तरह से एक अंडर रूट यहाँ से हो जाएगा, एक अंडर रूट यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट एन। ठीक है, उसके बाद समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये ध्यान दीजिए, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इसी जो समेशन ऑफ एक्स है इसका होल स्क्वायर फिर होता है, समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, अंडर रूट एन, यहाँ पर इंटू है कुछ नहीं है तो एन। ठीक, उसके बाद समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस क्या होता है, समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ये क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हम लोग समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर निकालेंगे, समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर इस तरह से निकालेंगे। तो चलिए इन सभी को निकालते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हो मैं यहाँ पे दोस्तों क्या किया हूँ, अपना कॉलम बना लिया हूँ, इस तरह से टेबल में बना लिया हूँ, आपको भी बना लेना है। जैसे कि देख सकते हो हमारा एक्स के कौन कौन है, 1 3 5 7 8 10 है ना, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स का वैल्यू जो है 1 3 5 7 8 10। ठीक है, उसके बाद जो हमारा वाई का जो मान है, जो देख सकते हो यहाँ पर वाई का जो मान है आपको उसको लिखना है, वाई क्या दिया हुआ है, 8 12 15 17 18 और 20 दिया हुआ है। ठीक, तो देखो अब हम लोगों को क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपको निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा, आप देखो एक्स का स्क्वायर करना है, एक का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 8 कितना आ जाएगा 64, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से आप क्या करेंगे, वाई का स्क्वायर करेंगे, तो हम चलो वाई का स्क्वायर करते हैं, तो y का स्क्वायर कितना है, 8 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25, 225 हो जाएगा। उसके बाद 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास 289 हो जाएगा, 18 का स्क्वायर 324। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बच जाएगा 20 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 400। ओके दोस्तों, अब देखो अब हमको ज़रूरत किस किस चीज़ का है, हमारा x भी निकल गया है, y भी निकल गया है, एक्स स्क्वायर भी निकल गया, वाई स्क्वायर भी निकल गया, अब हमको ज़रूरी है x इंटू वाई की। ठीक है, x इंटू वाई का हमको क्या है ज़रूरत है, तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ x इंटू वाई। तो x इंटू वाई का क्या हो जाएगा करेंगे तो x का मान कितना है, x इंटू वाई 1 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 12 × 3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 15 × 5 = 75 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 119 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और यहाँ पे 200 हो जाएगा, 20 × 10 = 200। ठीक, अब दोस्तों आपको क्या करना है, सभी को सभी का समेशन निकालना है। समेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ से एक बार लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखने में भी अच्छा लगेगा आपका टेबल, तो इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद देखो समेशन ऑफ एक्स निकालना है ना, तो समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू, यदि जगह नहीं बचता तो आप नीचे में लिख दो, अब इन सभी को जोड़ो। ठीक है, कितना हो जाएगा देखना, जब इन सभी को जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा 34 निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद समेशन ऑफ वाई का बनाओ, समेशन ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इन सभी को जोड़ो, जब इन सभी को जोड़ोगे तो आपके पास जो समेशन ऑफ वाई का मान निकलेगा वो क्या आएगा 90 आएगा। उसी तरह से समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करो, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा 248। ठीक है, उसी तरह से समेशन ऑफ वाई स्क्वायर निकालो, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर का मान हो जाएगा 1446, और समेशन ऑफ एक्स वाई बच गया लास्ट में, समेशन ऑफ एक्स वाई इन सभी को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 582। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग सिंपली आप लोग को हम लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला
में इस सभी सभी संख्या को पुट कर देना है, जो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। तो चलिए पुट कर देते हैं। मैं एक बार फॉर्मूला फिर से मैं यहाँ पे लिखने का कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको। तो क्या लिखेंगे, आर ऑन एक्स वाई निकालते हैं हम लोग। तो क्या है फॉर्मूला हमारे पास, एन, ठीक है, इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई डिवाइड बाय क्या होता है, अंडर रूट, ठीक है। फॉर्मूला याद रखने का यही तरीका है कि एन है ना समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसी तरह से अंडर रूट क्या होगा, एन होगा, ठीक है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, माइनस समेशन ऑफ वाई का क्या करोगे फिर आपका, इसका होल स्क्वायर कर दोगे, कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप अच्छे से मान बैठाना, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपका दिक्कत हो सकता है, कभी गलत हो सकता है। तो देखो क्या हो जाएगा, तो n, n का मान कितना है, देखो n का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो आपको उन लोगों को 6 लिखना है। उसके बाद समेशन ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई का मान कितना निकला, देखो समेशन ऑफ एक्स वाई का मान 582 लिखा था हम लोग, यहाँ पे 582 लिख देंगे, ठीक है। फिर माइनस है समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स का मान देखो कितना है, समेशन एक्स का मान 34 है, तो आपको 34 लिखना है, 34 इंटू समेशन ऑफ वाई का मान कितना है, 90 है, तो 90 आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अब उसी तरह से आपको क्या करना है, अंडर रूट है तो आपको अंडर रूट देना है, ठीक। एन का वैल्यू 6 है तो 6 इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मान देखो 248 है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, इंटू 248, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस देंगे, उसके बाद क्या लिखता है, समेशन ऑफ एक्स, पहले समेशन ऑफ एक्स का मान कितना है, समेशन ऑफ एक्स का मान देखो 34 है, ये ध्यान रखना, समेशन ऑफ एक्स है ना, समेशन एक्स का मान कितना है, 34 है, 34 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 34 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटू है तो आपको इंटू दे देना है, यहाँ पे इंटू दे दो, फिर अंडर रूट, ठीक। तो देखो क्या है, एन, एन का मान कितना है, 6 है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर देखो 1446 है, इंटू 1446 हो जाएगा। फिर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई का मान कितना है, 90 है, उसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब 90 गुना 90 हो जाएगा, मतलब 8100 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको आपको कैलकुलेटर में सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का कभी कभी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास इस तरह का आपको क्या डाउनलोड कर लेना है, मोबाइल है हमारे पास, ये आपको कैल्सी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इस तरह का कैल्सी होगा, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपको जो कैल्सी है ना, ये वाला कैल्सी आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप देखो, जब इस तरह का आपको फ्रैक्शन वाला सॉल्व करना है तो आप किस तरह से करोगे, देख सकते हो यहाँ पे ये ऑप्शन है, ठीक है, इसको आपको दबाना है। उसके बाद एक बार, उसके बाद क्या करना है, आपको मान सब लिखना है, जो मान दिया हुआ है उसको पहले आपको लिखना है, क्या है, 6 है, 6 इंटू कितना दिया, 582 आपको इस तरह से लिखना है, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, तो माइनस देना है, 34, फिर यहाँ पे ब्रैकेट आप यूज कर लो तो अच्छा होगा, 34 गुना आपको क्या करना है, 90 कर लो, इस तरह से भी ब्रैकेट आप दे सकते हो, ठीक है। अब फिर डिवाइड में क्या है, आपको देखो डिवाइड में है, अंडर रूट है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अंडर रूट इस तरह से देना है, 6 इंटू कितना 248 है, 248, फिर माइनस, माइनस कितना है यहाँ पे, 32 का स्क्वायर, तो आप 32 का स्क्वायर दे सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर नीचे में आना है आपको, एक बार ऊपर क्लिक कर दिया, उसके बाद फिर आपको नीचे आना है, इस तरह से आगे, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको इनटू देना है, ठीक, इनटू देना है इस तरह से, फिर यहाँ पे आपको अंडर रूट देना है, अंडर रूट है तो अंडर रूट देंगे, कितना है, 6 इनटू 1446 इस तरह से है, माइनस कितना है, 8100, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे 32 का स्क्वायर नहीं है, 34 का स्क्वायर है, मैं अभी ध्यान दिया, तो यहाँ पे जब मैं इसको 34 का स्क्वायर करूँगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.98, ठीक है, 0.987, ठीक है। अब इस तरह से आएगा 0.98783, ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे में लिख दूँ 0.98787, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्या हो गया था, यहाँ पे 34 की जगह 32 हो गया था, इसी वजह से यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, तो आपका आंसर कुछ इतना निकलेगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, कोरिलेशन निकालते हैं बिटवीन द एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के बीच का हम लोग कोरिलेशन इस प्रकार से निकालते हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये जो वीडियो है आपको बहुत ही बेहतरीन लगा हो, बहुत ही अच्छा लगा होगा, यदि प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।